स्वागत करता हूं दोस्तों इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर याचिका। तो जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण आप सबों का परीक्षा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसके लिए याचिका दायर किया गया हाई कोर्ट में, ठीक है। और अब अगर कहीं याचिका दायर किया गया है तो इससे है कि जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो सकती है, ठीक है। और जल्द होगी तो आप लोगों का जो डिसीजन लटका हुआ परीक्षा होगा या नहीं होगा, इसका अगर अध्यक्ष आ जाते हैं तो ये पूरा क्लियर साफ हो जाएगा कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और आपको पता चलेगा कि क्या है ये याचिका में, क्या दिया गया है, नहीं कि किसने याचिका को दायर किया है, ये सभी चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि 21 लाख बच्चों की परीक्षा बाधित है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण 21 लाख बच्चों की परीक्षा बाधित है, परीक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक है। और चलिए अब पेपर के कटिंग में क्या दिया हुआ है इसमें से, तो देखते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे है कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकतर महासंघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह ने याचिका दायर कर की है। उन्होंने याचिका में जैक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति मांग किया है। इसमें कहा कि पिछले 4 माह से जैक अध्यक्ष विहीन नियमावली के तहत अध्यक्ष को ही वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अधिकार प्राप्त है, और साथ साथ गोपनीय कार्यों जैसे परीक्षा से संबंधित सारे निर्णय लेने का अधिकार है। लगभग 21 लाख बच्चों की परीक्षा रुकी हुई है, लगभग 21 लाख बच्चों की परीक्षा रुकी हुई है, बच्चों की परीक्षा लेने से संबंधित निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो देखिए अध्यक्ष के पास ये है गोपनीय कार्य, परीक्षा लेने के संबंध में, परीक्षा रिजल्ट जारी करने के संबंध में, और जो भी है यहाँ पे सब अध्यक्ष के पास ही सारा कार्यभार होता है और ये नहीं है, तो जिस कारण से आप लोग का परीक्षा नहीं हो पा रहा है। लेने से संबंधित निर्णय भी वही लेंगे, कौन लेंगे, अध्यक्ष ही लेते हैं। वही पूर्व में आयोजित हो चुकी कई परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं हो पाया है, और अगर जो परीक्षा हुआ है उसका भी मूल्यांकन नहीं हो पाया है क्योंकि अध्यक्ष नहीं है इस कारण से। तो दोस्तों इससे साफ पता चल जा रहा है कि अब अगर ये यहाँ पे याचिका दायर किया गया हाई कोर्ट में, तो इससे है कि अब सरकार जल्द सुनेगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति बहुत जल्द करने वाली है, ठीक है। तो अगर जल्द नियुक्ति होता है तो आप लोगों का परीक्षा भी जल्द हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब यही इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में हम लेके आए, बहुत जल्द आप लोगों का परीक्षा होगा या नहीं होगा इस कोरोना को देखते हुए एक कुछ क्षणों में एक वीडियो आने वाला, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर देते हैं अंत। जय हिंद।